सर्वशक्तिवान, शिव बाबा का मैं संतान हूं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, जैसे एक ही सूर्य सारे सृष्टि को प्रकाशित करता है, अपने शक्तियों से नमकीन पानी को भी मीठा बनाकर, क्रिस्टल क्लीन बनाकर अपने साथ ले जाता है। ऐसे ही सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सर्वशक्तियों के वरदान से संपन्न मैं भी सूर्य के समान इस मस्तक के बीच में चमक रहा हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान, जन्मते ही शिव बाबा ने इस वरदान से भरपूर कर दिया है। इन शक्तियों के द्वारा पांचों तत्व आकाश, अग्नि, वायु, जल और ये पृथ्वी इन पांचों तत्वों ने सारे कल्प बहुत सेवाएं की, बहुत सुख दिया। शिव बाबा आज आप अपने सर्वशक्तियों से इन पांचों तत्वों को सशक्त करो, सर्वशक्तियों से स्वच्छ करो, निर्मल, निरोगी, निर्विकारी बनाओ। ऐसे ही ये पांचों ज्ञानेंद्रिया इनके द्वारा भी सारे कल्प में बहुत सेवाएं ली। शिव बाबा आप सर्वशक्तिवान हैं और आपने हमें वरदान दिया है बच्चे, इन सर्वशक्तियों से अपने ही प्रकृति को, पांचों तत्वों को
पांचों ज्ञानेंद्रियों लाइट एंड माइंड के द्वारा सशक्त बनाओ। स्वच्छ निर्मल बना रहा हूं पांचों विकारों से मुक्त किसी भी प्रकार की बीमारियों से भी मुक्त निर्भय आत्मा हूं मैं। सिर्फ आज ही नहीं सारे कल्प के लिए भविष्य के लिए भी शुभ बाबा आपके उपस्थिति में आज ही इंश्योर करो भविष्य का सारा कलप ये पांचों तत्व पांचों इंद्रियों के द्वारा सदा निर्मल निरोगी निर्विकारी ऐसे इन पांचों तत्व और पांचों ज्ञानेंद्रियों के संयोग से मैं निश्चिंत निर्भय सर्व शक्तियों से संपन्न एक सूर्य के समान चमक रहा हूं। इन सर्वशक्तियों से पहले प्रकृति जीत बनना है स्वराज अधिकारी बनना है इस प्रकृति के सहयोग के बगैर आपसे मिलन कैसे मनाऊं इस प्रकृति के सिंहासन पर
कमल आसन के समान इस प्रकृति के प्रभाव से मुक्त मैं अपने आप को डबल लाइट महसूस कर रहा हूं। मैं अपने ही को देख रहा हूं। मेरे पास सहन करने की शक्ति है। इस घोर कलयुग में सब कुछ देखते सुनते सब कुछ समाता जा रहा हूं, समाने की शक्ति है। इस संसार में कर्म करने के लिए क्या करो क्या नहीं करो निर्णय करने की शक्ति है। सब कुछ करते हुए भी सबसे मुक्त डिटैच होने की भी शक्ति है। और अब तो समझ में आया, अब तो वापस जाने का समय है। देखा मेरा कुछ भी नहीं है, समेटने की शक्ति को जागृत किया। सबसे अपने आप को समेट लिया। सबसे मुक्त होकर अपने निजी स्वरूप में स्थित हो रहा हूं। कितना लाइट कोई बंधन नहीं। किसी व्यक्ति वस्तु वैभव का आकर्षण नहीं।
अपने आप को इतना लाइट हल्का महसूस कर रहे हो। कोई कर्मों का बंधन नहीं है, अपने आप को देख रहा हूं। कोई स्मृति कोई विचार तो जागृत नहीं हो रहा है, सब दरवाजे मन और बुद्धि के दरवाजे बंद है। क्योंकि मुझे मेरे प्रियतम से प्यारे बाबा से मिलने जाना है, इस रूहानी यात्रा पर चलना है। मेरा घर कितना दूर है, चारों तरफ प्रकाश प्रकाश है, कितना शांत विशाल वातावरण है। महसूस हो रहा है उस सुनहरी प्रकाश, हम यहां ही रहते थे, ये देखो शुभ बाबा आप कितने चमक रहे हो। आपके घर में आते ही आप सन्मुख आ गए हैं, शुभ बाबा आपको देखकर मैं प्रसन्न हो गया, लगा सब कुछ प्राप्त हुआ। कितने समय से मैं आपको ढूंढ रहा था, बहुत लोगों ने कहा गंगा में स्नान करो, अमरनाथ यात्रा पर चलो, ये पूजा करो, ये मंत्र जपो, बहुत भटक गए थे। आज आप स्वयं ही सर्वशक्तियों से संपन्न, आपको देखकर सब प्रकार से भरपूर हो गया, जैसे कि बहुत जन्मों की प्यास वो आश थी,
वो मिट गई। शिव बाबा आपको देखते रहो, अब आपसे एक पल भी मैं दूर नहीं जाऊंगा। आपके सर्वशक्तियों के छत्र छाया में बाबा आप पवित्रता के सागर हो और मैं देखो कोई कहेगा मुझे भगवान का संतान हूं, बाबा आज मैंने समझ लिया जो आप रोज कहते थे बच्चे मेरे जैसे पवित्र बनो तब मेरे घर में आ सकेंगे। मेरे सारे प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे। मेरे वारिस बनो। आज समझ में आया ये पवित्रता क्या है। आपके जैसे संपूर्ण पवित्रता छे तन की भी अन्य की भी अपने मकान की भी कि जैसा अन्न वैसा तन, जैसी व्यवस्था वैसी अवस्था बनती है। संकल्प में भी संपूर्ण पवित्रता, बुद्धि की भी वस्तु व्यक्ति वैभव के आकर्षण से मुक्त, मैं अपने आप को देख रहा हूं। अंदर की भी कितनी सफाई है, कितनी अंदर स्वच्छता है। तभी आप चुंबक मुझे अपने साथ पकड़ के रखेगा। अब समझ में आया आपको देखकर महसूस हो रहा है पवित्रता क्या है।
मैं आपको देखकर अपने आप को देख रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, आप और मेरे में कितना अंतर है। क्या मैं आपका लायक सुपुत्र पात्र हूं? क्या मैं आपका वारिस हूं? क्या आप मुझे आओ बच्चे करके पुकारेंगे? मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। हम कहते कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान है, जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से, सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। खार चुन लिए खुशबू भर हर महकाई है, नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है। इस राग में भाग्य जगाना, इस राग में भाग्य जगाना, आपसे हम भी सीखे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मैं आपके लायक हूं, मैं अपने आप को देख रहा हूं, आपको देख रहा हूं, अपने आप को देख रहा हूं, और कुछ दिखाई नहीं देता है। एक ही लक्ष्य है, मुझे आपके जैसे बनना है। बाबा मैं आपका हूं,
और कौन है मेरा? और मेरा क्या चीज है? आपका वो पवित्र प्रकाश मैं आपको देखते देखते ही निहार रहा हूं। बाबा आपने कहा था मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं, मीठे बाबा आपने कहा था मैं बिगड़ी को बनाता हूं, प्यारे बाबा आपने कहा था बच्चे मैं बच्चों की मदद करने आया हूं, मेरे से जितनी सेवा लेना चाहते हो ले लो, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। सारे कल्प का आधार ये संगम का समय है, आज ये सभी आधार है। आपकी भाषा आज समझ में आया, क्योंकि आपके सन्मुख बाबा अगर आपको मेरे अंदर कुछ दाग अगर दिखाई देते हो तो आप अपने पवित्र प्रकाश की किरणों से जैसे वो सूर्य नमकीन पानी को भी मीठा बनाता और अपने साथ ले भी जाता है, आप तो कोटि सूर्य जितना प्रकाश आपके अंदर है। आप सर्वशक्तियों के सागर हो, क्या आप मुझे अपने पास लेके नहीं जाएंगे? क्या आप मुझे आपके जैसे नहीं बनाएंगे? मैंने तो पक्का निश्चय कर लिया है, मेरी प्रतिज्ञा दृढ़ प्रतिज्ञा है, मैं आपसे एक सेकंड भी अलग नहीं हो सकता। मैं आपके जैसे संपूर्ण पवित्र बनूंगा ही, और आपने कहा
मते बच्चे पदम गुना बाप की मदद है, बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प बाप वरदान देता है, विजयी भव। मन में दिल में कोई अशांति नहीं, कोई व्यर्थ विचार ही नहीं है। ऐसे आप निश्चिंत हो, आपको देखते देखते ऐसा ही अपने आप को निश्चिंत करते जा रहे, कोई चिंता नहीं। साथ है, आपके सर्वशक्तियों का हाथ है, चिंता किसकी करो। आप ही करण करावनहार हो, मैं आपके हवाले हूं। इस समय ये श्वास, ये जीवन आपके लिए है, आपका मेरे पर पूरा अधिकार है। और चिंता किस बात की है, शुभ बाबा आप आनंद के सागर हो। क्या हम भी आपके जैसे बन सकते हैं? सदा प्रसन्न, सदा भरपूर, किसी प्रकार के भी अंश मात्र भी आकर्षण नहीं, क्योंकि आपने सब कुछ दिया है। पहले आपको जानते थे, मानते थे, आज आपको पा लिया है। जो बहुत जन्मों की आश थी, सारे विश्व की आत्माएं यही प्यास लेके खड़ी है, सब
सारे विश्व के आत्माओं के सामने किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं चाहता है। बीमार व्यक्ति भी तड़प रहा है, दुखी अशांति कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ आपका प्रकाश देखना चाहते हैं। मेरा कोई है, कोई मुझे देख रहा है, हर एक जानता है अपना हिसाब किताब कर्म भोग। आपसे कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ आपको देखकर ही अपना सारा दुख दर्द भूल जाता है। पूरा ध्यान आपके ऊपर जा रहा है, सारे विश्व की आत्माएं आपको देखना चाहती है। आप अपना शक्तिशाली वो स्वरूप अपने बच्चों के सामने सेकंड के लिए भी अपना रूप दिखाओ। देखकर ही प्रसन्न, अपना सारा दुख दर्द सब एक सेकंड के लिए भूल जाएंगे। जैसे आपने गीता में वर्णित है अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, और ऐसे समय पर जो सबसे हार जाता है, आज भी आपके सारे बच्चे सब प्रकार से हार गए हैं। डॉक्टर, साइंटिस्ट, गवर्नमेंट, सारी व्यवस्था सब ने अपने हाथ उठा लिया, किसी के पास किसी प्रकार का अहम नहीं है। अभी अब सबकी नजर आपके ऊपर है। मुखड़ा दिखा लो और कुछ नहीं चाहते हैं। आपका वो विश्व रूप आखिर तो आपके बच्चे हैं ना। बच्चों की इच्छा है, आपकी भी इच्छा होगी ना। कलप के अंतिम समय अपने बच्चों को देखो, भले मैले हैं, गंदे हैं, आपने कहा मैं पतित को पावन करके ले जाता हूं, अब वो समय आया है।
दिन बाबा सारे विश्व के आत्माओं की नजर आपको तलाश रही है। अब देर नहीं करो, बाप बच्चों की परीक्षा नहीं लेता है, आप माता पिता हो, बच्चों की पालना करते हो, सारे विश्व के आत्माओं को अपने लाइट और माइट के द्वारा पालना करो बाबा। आखिर तो आपके बच्चे हैं, शिव बाबा आप ज्ञान के सागर हो, आपके ये लाइट हाउस जैसे शक्तियों के प्रकाश की किरणों से सबको रास्ता दिखाओ, सारे विश्व की आत्माएं भटकी हुई है, दिशाहीन है, आपकी ये रोशनी ये लाइट ज्ञान की रोशनी चाहिए। बाबा आप ही अपने बच्चों को समझा सकते हैं और किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि आप जानते हो आपके बच्चे हैं। हर एक आत्मा को आपने अपनी रोशनी से पालना करना चाहिए। बाबा आप मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, कितनी आत्माएं तपस्या करके थक गई है, कितने साधु संत आश लगा के बैठे हैं कब भगवान मिलेगा, कब वो आएगा। आप इन सब आत्माओं को मुक्ति दे दो, इनका भी आपको ही कल्याण करना है। और आप कहते हो मैं विश्व कल्याणकारी हूं, अब वो समय आ गया है।
सारे विश्व के आत्माओं का कल्याण करना है। ये आपके बिगर और कोई नहीं कर सकता है। तब तो आपका टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी हो। बाबा आप दिव्य बुद्धि दाता हो, आप भाग्य विधाता हो, भाग्य बनाने की विधि बताते हो। बच्चे तन मन धन समय श्वास ईश्वर की सेवा में लगाओ। पद्मों की कमाई जमा कर सारे कल्प के लिए हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनेंगे। कोई अपने आप कुछ नहीं देता है। एक बीज बोलो इस संगम पर, अपने आप तो नहीं होगा। संगम पर ये बीज, एक बीज बोलो, ये कल्प वृक्ष है। सारे कल्प के लिए फल मिलता रहेगा। बाबा आज ये याद आ रहा है, मैंने इतने दिन क्या किया, आज पक्का करता हूं, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। शुभ बाबा, मैं आपको देखता रहता हूं, मैं आपके सन्मुख आपके सर्वशक्तियों से अपने को भरपूर कर लेना चाहता हूं। पता नहीं फिर कब मिलोगे आप। Oh,
हो